हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज़। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान खान और पूजा हेगड़े की अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान को लेकर। फ्रेंड्स, काफ़ी अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि किसी का भाई किसी की जान का कितना रन टाइम होगा, उसका यूएस सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, एडवांस बुकिंग का क्या चाह रहा है, इंडिया में कब खुलेगी, ओवरसीज़ का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड, आपको पता ही है सलमान खान की मूवीज़ बिल्कुल एक फैमिली मूवीज़ होती हैं। उनकी मूवीज़ में अभी तक कभी वल्गर सीन देखा नहीं गया, तो ऐसे में उनके लिए यूएस सर्टिफिकेट लेना कोई इशू नहीं होता। उन्हें यूएस सर्टिफिकेट मिल गया है और जो मूवी का रन टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 hours and 24 minutes। यस फ्रेंड्स, 2 hours and 24 minutes की इंटरटेनमेंट मूवी होगी, जिसका फर्स्ट हाफ 1 hour and 16 minute और फिर सेकेंड हाफ 1 hour and 8 minute का होगा। वैसे तो मूवीज़ के लिए ऑलमोस्ट 7 songs शूट किए गए हैं, पर सिनेमा घरों में आपको एटलीस्ट 4 या 5 songs देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी पॉलिसी है। फिर बात करें इसका बुक माई शो इंटरेस्ट पे, तो वो हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं अभी आपको संडे आफ्टरनून का बता रहा हूँ, हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। फ्रेंड, अभी जो बुक माई शो पर इंटरेस्ट आ रहा है वो 85K क्रॉस कर गया है। हमारी पहली प्रेडिक्शन थी ये कहीं 1,10,000 तक जाएगा, पर लगता है ऐसा कि रिलीज़ के पास आते आते ये 1,15,000 या 20,000 तक चला जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये जाहिर करता है कि पब्लिक कितना इंतज़ार कर रही है सलमान खान की मूवी से, और एडवांस बुकिंग में ये चीज़ आपको नज़र भी आएगी। फ्रेंड, बात की जाए इसकी एडवांस बुकिंग की, तो इंडिया में इसकी सिलेक्टेड प्लेसेस पे एडवांस बुकिंग सैटरडे से खुल गई थी, आज भी 2-4 और स्लॉट्स पे खुल जाएगी, पर फुल फ्लैश जो एडवांस बुकिंग है वो इसकी मंडे से खुलेगी। आइडली तो यही था कि संडे को एडवांस बुकिंग खोल दी जाती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बुकिंग सलमान खान के फैंस करते, जिसको देखते देखते न्यूट्रल फैंस भी एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करते, ताकि एक पॉजिटिव वाइब हर तरफ फैल जाती। तो चलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कल मंडे से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर बात की जाए ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 days पहले ही खुल गई थी। USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब पे एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 days पहले खुल गई थी। और फ्रेंड, यहाँ से बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स अभी इनके नहीं आ रहे, क्योंकि ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग के नंबर्स काफ़ी लेट आते हैं, हो सकता है रिलीज़ के आसपास आ जाए। पर जो सोर्सेज से अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि बाहर से यानी ओवरसीज़ से बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिला किसी की भाई किसी की जान मूवी को, स्पेशली UAE और मिडल ईस्ट में। यहाँ सलमान खान के बहुत फैंस हैं, यहाँ सलमान खान की फिल्म्स हमेशा बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। होप करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।